वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से, यानी कि टीम 07 और दूसरे क्रिएटर्स। आज की वीडियो में अदनान से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज लाया हो, तो ये वीडियो एंड तक देखते रहना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए कर लो। मैं सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स बाकी रह गए हैं 1 लाख होने। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन देख लेते एक छोटा सा प्रोमो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक जबरदस्त वेबसाइट जिसका नाम है नॉक्स इन्फ्लुएंसर। इस वेबसाइट के जरिए आप किसी भी यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल की स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं। खाली आपको अपने ब्राउजर में जाके noxinfluencer.com चेक करना है, या तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट खुलने के बाद मैं अपने ही चैनल एजाज लॉक्स को टाइप करता हूं और आप लोग यहां पर देख सकते हैं डैशबोर्ड खुल गया जिसमें मेरे चैनल की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। आप अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम भी सर्च कर सकते हैं और यहां पर आप लोग उसकी लाइव सब काउंट भी देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, उस चैनल की ग्लोबल रैंकिंग, ये सब आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दो चैनल को कंपेयर भी कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट की तरफ से एक गिव अवे भी रखा गया है जहां पर आप लोग $50 जीत सकते हैं। ये एक वेबसाइट तो है मगर इसका एक ऐप भी लॉन्च हो गया है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे, तो सिंपली आपको जाना है, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उस ऐप को कमेंट में 5 स्टार देना है और कोई अच्छा सा एक कमेंट कर देना है, तो उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाओ उस ऐप को डाउनलोड करो, काफी बढ़िया है। तो गाइस जो सबसे पहली स्टोरी आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है और वो आ रही है अदनान 07 की तरफ से। आप सभी को पता होगा कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने कंफर्म न्यूज दे दिया था कि जो अदनान के सर पे पट्टी बंधी है वो इसलिए क्योंकि उसकी फाइट हुई थी, वो भी धारावी में। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच निकली। आज सुबह से एक वीडियो बहुत वायरल चल रहा है जहां पर अदनान और शादान की फाइट हुई थी और बहुत सारी भीड़ थी उधर। मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा देता हूँ, पहले तो आप लोग वो वीडियो देख लो। तो देख लिया आप लोग ने वीडियो, ये वीडियो मैं एज अ न्यूज बताया आप लोग को ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैटर हुआ क्या। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में शॉर्ट में समझा देता हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि शादान जो है बाइक लेके खड़ा था अदनान के लिए, वो लोग जिम जाने वाले थे। मतलब शादान जो है अदनान का वेट कर रहा था, उन लोगों को जिम जाना था, लेकिन वहां पर विसर्जन करने वाले कुछ पिए हुए लोगों की बात कर रहा हूं मैं, उन लोग ने शादान पे कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए, गाली देना शुरू कर दिए। तो उस समय बीच में फिर अदनान भी आ गया बचाने के लिए, और जब अदनान शादान को लेके जाने लगा तो वो लोग अदनान को गाली देने लगे, अदनान पे कमेंट्स पास करने लगे, लेकिन फिर भी इस चीज को अदनान ने इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा, वो लोग आगे बढ़ना शुरू किए। तो इन लोग ने जानबूझकर अदनान को छेड़े, उसको परेशान किए, उसको मारे, तो 100% फिर अदनान भी उसका जवाब देगा। एंड बस फिर ये सब चीज हुई और फिर ड्रंक ग्रुप ने अदनान पे पूरा अटैक कर दिया, शादान को भी मारा गया जैसे कि आप लोग ने वीडियो में देखा। फिर जब ये सब हो रहा था तो उस समय शॉपकीपर्स और जितने पुलिस वाले थे उन लोग ने उन लोग को बचाए और वहां से वो लोग निकल गए। एंड अदनान का कहना ये भी है, जहां तक मैंने सुना हूं, कि अब वो इसके खिलाफ FIR दर्ज भी करेगा। तो होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मैटर हुआ था। और हां, जो लोग भी मुझे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई अदनान को जिम में लग गया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूं कि मैं कंफर्म न्यूज दूं, मतलब जब हो गया मुझे जब मालूम पड़ जाता है तभी मैं आप लोगों को बताता हूं, इसीलिए मेरा वीडियो लेट आता है। तो देख लिया गाइस ये सब कुछ मैटर था, लेकिन अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूं और मुझे ऐसा लगा कि ये आप लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि कुछ गंदी सोच के लोग अभी भी मौजूद है। यहां पर एक बंदे ने अली काशिफ सर को टैग करते हुए पोस्ट किया, सर अली काशिफ बेचारे टीम 07 के लोगों की एक बार फिर हेल्प कर दे, दे आर इन ट्रबल अगेन बाय द पब्लिक, टी शर्ट भी फट गया गरीब का, अदनान गॉड इज स्मैश्ड बाय द पब्लिक फॉर हिज स्टूपिड एक्शंस। उसने क्या स्टूपिड एक्शन किया, मतलब हेटर हो तो कुछ भी करोगे। एनीवेज ऐसे गंदी सोच के लोग मिलते रहेंगे, आप लोग का इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अली काशिफ सर ने भी थोड़ी सी इस पर आवाज उठाते हुए कहा, आई विश हिम स्पीडी रिकवरी एंड मे ऑल द कल्प्रिट्स गेट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। गाइस अगली स्टोरी आती है फैसू 07 की तरफ से, तो पता नहीं भाई फैसू 07 और बाकी के जो भी मेंबर्स थे उन लोग की आईडी कब आएगी, ये टिकटॉक वाले लोग की आईडी कब देंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉलोअर्स डाउन हो रहे हैं। फैसू 07 के जो है 24 मिलियन फॉलोअर्स थे लेकिन अब 23 मिलियन हो गए जैसे आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो होपफुली यार उसकी आईडी जल्दी से आ जाए, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। साथ ही साथ गाइस इन सबसे रिलेटेड याद आया कि बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करके बोल रहे थे भाई एक हैशटैग चलाओ जिसमें लिखा होगा वी वॉन्ट फैसू ऑन टिकटॉक, वी वॉन्ट टीम 07 ऑन टिकटॉक एंड वी सपोर्ट अदनान 07। जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं मेरे कमेंट से लेके हर जगह यह हैशटैग
भर दो। तो चलिए गाइस अब चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि फैसू और अदनान से रिलेटेड एक और स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के बीच में या एंड में बताऊंगा जैसा हमेशा कहता हूं। तो जो अगली स्टोरी आ रही है वो टिकटॉक बैन से रिलेटेड है। जी हां, आप सभी को पता है अली काशिफ सर ने कहा था कि वो टिकटॉक बैन कराने की पूरी कोशिश करेंगे, तो यहां पर इनको वापस से जो है बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि टिकटॉक बैन कब होगा। तो उन्होंने स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा, पीपल आस्किंग मी अबाउट टिकटॉक बैन, आई वॉज रनिंग बिजी दिस डेज, होपफुली इन द कमिंग वीक और नेक्स्ट I will file application in the court for the same #banTikTok। भाई इससे रिलेटेड आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताना। गाइज अगली स्टोरी आती है लकी डांसर एंड निखिल की तरफ से। तो ये दोनों के बर्थडे पार्टी में टीम 07 से लेके टीम नवाब सभी गए थे। जी हाँ, मैं आप लोग कुछ स्टोरीज बता रहा हूँ बर्थडे पार्टी की, आइए देखते हैं। गाइज अगली स्टोरी आती है समीर मार की तरफ से। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई है समीर मार की तरफ से। सबसे पहला तो यहाँ पर ये क्यू एन ए करते अपने इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने उनको क्वेश्चन करते हुए कहा, भाई आप बॉलीवुड ट्राई क्यों नहीं करते, आप बहुत इजीली आ जाओगे। तो उस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा, आ जाऊंगा नहीं, आ गया, जस्ट वेट एंड वॉच। तो भाई उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री कर ली है। और अगली स्टोरी में उन्होंने ये पोस्ट किया, किसी ने क्वेश्चन करते हुए कहा, कुछ न्यू ब्लास्ट 2020 में। तो भाई लगता है इनका कुछ तो आने वाला है 2020 में। और गाइस हो सकता है कि शायद इनका ये कोई एल्बम सॉन्ग या कुछ तो सॉन्ग अगर आने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में ये सब बातें रखी है, आइए देखते हैं। सर आपको कोई नया एल्बम सॉन्ग है? भाई बहुत कुछ है, थोड़ा सा पहले क्या पट 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 बोल देता जी, क्यों बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत उल्टा उल्टा हो जाता था, तो मैं डैड ने समझा दी, मत बोला कर, हो जाने दे, इतना है कि 2020 में तुम लोग को बहुत मजा आएगा। भाई वैसे मैं भी एक एक्टर हूँ। ये सॉरी 2020 में तुम देखोगे बहुत जल्द, बोला था ना मैं सरप्राइजेस है, बहुत कुछ सरप्राइजेस है, इसलिए तो अभी शांत बैठा। वालेकुम अस्सलाम। गाइज अगली स्टोरी आती है जिस्सा पॉल की तरफ से। तो यहाँ पर उन्होंने पछतावे जो सॉन्ग है उसको फीमेल वर्जन में बनाया है, अगर आप लोग को चेक करना रहेगा तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। गाइज अगली स्टोरी आती है अनित कुर की तरफ से। तो लगता है पता नहीं कुछ तो शूटिंग वगैरह के लिए शायद जा रही है, क्योंकि उसने पोस्ट करते हुए कहा, बाय मुंबई एंड नेक्स्ट स्टोरी में है टू द प्लेस दैट फील्स लाइक होम चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़ गई है। गाइज अगली स्टोरी आती है प्रतीक की तरफ से। और मैंने आप लोग से कहा था ना कि इनका कोई तो शूट चल रहा है, शायद शॉर्ट फिल्म होंगे या सॉन्ग होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा, डन फ्रॉम टू डेज शूट, और ये हो रहा है बैंकॉक थाईलैंड में। गाइज ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को फैसू और अदनान से रिलेटेड तो लास्ट में न्यूज देने ही वाला हूं। गाइज अगली स्टोरी आती है रिम की तरफ से। तो अगर आप लोगों को रिम से मिलना है, फोटोज लेना है, वीडियोस लेना है, जो भी लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। न्यू दिल्ली में आ रही है, वो ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सना खान भी दिल्ली में आ रही है, तो उसकी भी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर अनित कौर हो गए हैं 6.3 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, आमिर सिद्दीकी को हो गए हैं 2 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, एंड अशी खन्ना के टिकटॉक अकाउंट पे हो गए हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स। तो तीनों को बहुत बहुत कांग्रेट्स। तो चलिए गाइस फाइनली अब चलते हैं फैसू और अदनान की न्यूज की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग मुझे ये बोलते भाई अपने चैनल का नाम चेंज कर दो एजाज व्लॉग से एजाज न्यूज रखो, क्योंकि व्लॉग तो आते ही नहीं है। अरे मेरे भाई डेली व्लॉग आते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं ना जिन लोगों को व्लॉग का मतलब ही नहीं मालूम होता है। अगर आप लोग गूगल करोगे आप लोग खुद यहाँ पर पढ़ सकते हो, अ पर्सनल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट वेयर अ पर्सन रेगुलरली पोस्ट शॉर्ट वीडियोस। जेली ना भाई, ये सब बात आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि 90% लोगों को ये लगता है कि व्लॉग्स क्या होता है मालूम, लाइफ स्टाइल, मतलब मैं बाहर भटक रहा हूँ, बाइक पे घूम रहा हूँ, ये सब। लेकिन इतना नहीं पता है कि व्लॉग क्या होता है, रियल में क्या होता है। तो मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया। तो अब कोई कमेंट मत करना कि भाई एजाज व्लॉग से चैनल का नाम जो है चेंज कर दो। तो गाइस अब चलते हैं फैसू की न्यूज़ की तरफ। बहुत ही फनी न्यूज़ है भाई, मतलब गूगल वालों क्या कर रहे हो, मतलब जिसने भी पोस्ट किया है, अगर आप लोग फैसू के बारे में सर्च करते हो ना गूगल पर, तो उसका जो बायो बन के आता है उसमें ये लिखा है, फैसल शेख इज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वो प्लेड फॉर गोवा एंड मुंबई इन द रणजी ट्रॉफी, ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे महाराष्ट्र इंडिया, फैसल इज अ राइट हैंड बैट्समैन एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर। तो गाइस मिस्टर फैसू 07 टिकटॉकर नहीं, एक क्रिकेटर है। जी हाँ यार, बायो वालों बायो चेंज कर दो। एंड गाइस जो लास्ट स्टोरी आ रही है वो आ रही है अदनान एंड आशिका की तरफ से। यहाँ पर आशिका सबको फॉलो करती है लेकिन अदनान को फॉलो नहीं कर दी, उसको उसने अनफॉलो कर दिया, और अदनान ने भी आशिका को अनफॉलो कर दिया। क्यों
बाकी आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड कमेंट करके बता सकते हो। तो बस गाइस आज का वीडियो यही पर खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, जाओ जल्दी से और 1000 बाकी है सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब 1 लाख होने आए हैं और बहुत कुछ नया आने वाला है इस चैनल पर। मैं आप लोग को आगे आगे अपडेट देते रहूंगा, मतलब कुछ गिव अवे होने वाले हैं, सरप्राइज है, मैं आप लोग को अभी नहीं बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।